फ्रेंड्स, आज हम एज एज तथा सो एज की जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, युवाओं के कंधों पर आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और वह है सामाजिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना। सर्वप्रथम सामाजिक दायित्व है क्या? वह है सबों को एक जैसा सम्मान देना। दोस्तों, हमें छोटों को उतने ही ढंग से सम्मान करनी चाहिए जितने ढंग से हम बड़ों का सम्मान करते हैं, यानी आज उतना जितना जैसे वाक्यों की जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, बारी बारी से चलते हैं। उदाहरण के तौर पे, राम उतना ही अच्छा है जितना श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम। मोहन उतना ही लंबा है जितना सोहन। मोहन इज एज टॉल एज सोहन। रमेश उतना ही नाटा है जितना रतन। रमेश इज एज डॉल एज रतन। दोस्तों, हमने यहाँ एज एज का इस्तेमाल किया क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव थे, लेकिन जब भी वाक्य निगेटिव हो तो एज एज के स्थान सो एज का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे राम उतना लंबा नहीं है जितना श्याम। राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम। मोहन उतना लंबा नहीं है जितना सोहन। मोहन इज नॉट सो टॉल एज सोहन। दोस्तों, हमने एज एज तथा सो एज की जानकारी हासिल कर ली। नीचे एक्सरसाइज दिए गए हैं, इसमें हम एज एज का तथा सो एज का प्रयोग सीखें। लेट्स गो टू द पैसेज यूजिंग ब्यूटीफुल वर्ड्स। ये अब हम पैसेज के साथ सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पे, ही वॉज एज गुड एज हिज ब्रदर वॉज। वह उतना ही अच्छा था जितना उसका भाई। बट अनफॉर्चुनेटली बोथ हु वेयर ऑन पिलग्रिमेज ऑफ अमरनाथ डाइड इन बस एक्सीडेंट। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ऑन पिलग्रिमेज यानी तीर्थाटन पर थे, तीर्थ यात्रा पर थे, अमरनाथ की तीर्थ यात्रा पर थे, बस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। फैमिली मॉर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम। परिवार वालों का काफ़ी रोना धोना हुआ। लेटर दे वेयर कंसोल्ड। बाद में उन्हें ढांढस दिया गया, हिम्मत दिया गया, बाय सेइंग दैट यह कहते हुए, नो वन कैन अवॉर्ट अनटॉवर्ड इंसिडेंट। कोई अनहोनी को अवॉर्ट यानी टाल नहीं सकता। यह कहते हुए उन्हें कंसोल किया गया, हिम्मत दिलाया गया। दोस्तों, इस पैसेज में हमने एज एज की चर्चा की थी। लेट्स गो टू द सेकेंड पैसेज। स्टेट गवर्नमेंट्स आर एज सिंसियर एज सेंट्रल गवर्नमेंट इन डीलिंग विद फ्लड। बाढ़ से निपटने के लिए राज्य सरकारें उतने ही सिंसियर होते हैं जितना केंद्र सरकार। बोथ द गवर्नमेंट्स नो हाउ टू डील विद दिस नेचुरल कैलेमिटी। दोनों सरकारें जानती हैं कि नेचुरल कैलेमिटी यानी प्राकृतिक आपदा से कैसे निपटना है। येट देयर शुड बी लॉन्ग टर्म प्लान। फिर भी एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए टू चेक रेकरेंस ऑफ फ्लड्स इन द कंट्री, जिससे देश में बार बार बाढ़ आने से लोगों को बचाया जा सके। रेकरेंस नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। इसमें भी हमने एज एज का इस्तेमाल सीखा। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पैसेज। राम इज नॉट सो गुड एज श्याम। राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम। यहाँ निगेटिव वाक्य है, इसीलिए हमने सो एज का इस्तेमाल किया। द फॉर्मर इज वन ऑफ द बेलफुल परनिशियस डेलिटेरियस और डेट्रीमेंटल पर्सन्स। फॉर्मर यानी राम। राम और श्याम में फॉर्मर राम है और राम के बारे में कहा गया है कि यह व्यक्ति उन तमाम व्यक्तियों में से एक है जो बेलफुल होते हैं। वेलफुल मतलब जो हानि पहुंचाते हैं। परनिशियस होते हैं, डेलिटेरियस होते हैं और डेट्रीमेंटल होते हैं। इन तमाम शब्दों की हिंदी हानि पहुंचाने वाला, उसमें राम भी है। सच पर्सन्स आर डिसरिगार्डेड। ऐसे लोगों की इज्जत कहीं नहीं होती। सच पर्सन्स आर डिसरिगार्डेड, जिन्हें कहीं सम्मान नहीं दिया जाता। बिकॉज दीज आर फुल ऑफ विकेडनेस, क्योंकि ऐसे लोग दुष्टता से भरे होते हैं। दीज पीपल आर फुल ऑफ विकेडनेस। तो दोस्तों, यहाँ हमने सो एज का इस्तेमाल किया था।
तो मैंने काफ़ी देर तक एज तथा सो एज की चर्चा की। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।